डे एक्शन कमेटी का चीफ कन्वीनर हूँ। आज के इस महासम्मेलन में हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा जो बुद्धिस्ट पर्सन लॉ जो हमने बिल सबमिट किया है सरकार को 24 जुलाई 2018 को, वो बिल का कानून बनाना सरकार की जवाबदारी बनती है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए सरकार ने इस विषय पर जल्दी एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो हमारे देश के सभी बौद्धों का 11 फरवरी को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा विशाल मोर्चा होने वाला है, और इस मोर्चा में सभी बौद्ध लोगों ने अपना संगठन, अपना धार्मिक संगठन अपने साथ में लेके वहाँ पहुँचना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें जो धर्म दिया है आज के तारीख में उस धर्म का कानून नहीं है, और इसलिए जो बिहार स्टेट में जो महाबोधि विहार है जो दुनिया में सबसे बौद्धों का सबसे बड़ा यानी वो धर्मस्थल है, और लेकिन आज वो धर्मस्थल आज बौद्धों के ताबे में नहीं है, स्वाधीन नहीं है, और इसलिए महाबोधि विहार को मुक्त करने के लिए हमें बुद्धिस्ट पर्सनों की गरज है, और ये मांग को लेकर हम सब बौद्ध भाइयों को हम आह्वान करते हैं और सरकार को हम चेतावनी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि ये सेकुलर स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को काम करना है, और इसलिए हमने 24 जुलाई का जो बिल सबमिट किया है वो बिल को सरकार ने जल्द से कानून के प्रोसेस में लाना चाहिए, और इसलिए सरकार को अलर्ट करने के लिए हमने आज का ये महासम्मेलन यहाँ आयोजित किया है। जैसा कि भारी संख्या में लोग आपके सम्मान में एकत्रित हुए, हाँ। सर उस विषय में आप उनके लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि अगर हम बाबा साहब जी को मानते हैं और भगवान बुद्ध जो हमारे जो संस्थापक रह चुके धम्म के, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो फिलोसफी है, उनको आज कानून की मान्यता नहीं है, क्योंकि पर्सनल का मतलब क्या होता है कि टू प्रोवाइड द लीगल सेंसिटी टू द रिलीजियस फिलोसफी ऑफ द रिलीजन। आज जो हम धम्म को जो मानते हैं, वो जो धर्म को मानते हैं, उसकी जो फिलोसफी है उसको कानून की मान्यता नहीं है। जब कानून की मान्यता नहीं रहेंगी तो हमारा जो मिशन है वो इलीगल हो जाएगा ना, इसलिए सरकार ने आज के तारीख में ये सोचना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू रिलीजन मिला है, वो राइट टू रिलीजन का मतलब है कि ये हर धर्म का अधिकार हर आदमी को मिलना चाहिए, जो उसको जो धर्म को जिसे जीना है। तो हमको आज बौद्ध धर्म से जीना है, तो हमारे धर्म का अधिकार बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो अधिकार को हमको हासिल होने के लिए प्राप्त करने के लिए हमारा लॉ जरूरी है, और इसलिए लॉ के लिए लोगों ने अभी अवेयर होना चाहिए। अब हम लोगों को ये बताएंगे कि ये चर्चा हम करके हम लॉ नहीं हमको नहीं मिला, हमको रास्ते पर आना है, और हम रास्ते पर आने के लिए लोगों को अपील करेंगे, हमको ताकत से 11 फरवरी को जंतर मंतर पहुँचना है और सरकार को बताना है ये सरकार की तुम्हारी जो खुर्ची है ये खुर्ची तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी मालमत्ता नहीं है, ये बाबा साहब के संविधान को चलाने के लिए तुम खुर्ची मिली हो, संविधान को चलाने के लिए हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए, और इसलिए हम 11 फरवरी को सभी बौद्ध संगठना सभी बौद्ध लोगों को हम अपील करेंगे कि ताकत से लाखों की संख्या में, और हमारा जो भिक्खु संघ है वो हमारा भिक्खु संघ हमारा मार्गदर्शक रहेगा, हमारा लीडरशिप में रहेगा, इसलिए हम सबका आह्वान करेंगे कि यहाँ हम सब बौद्ध बन के बौद्ध करके एक यूनिटी करके हमको एक होना है और अपना लॉ अपने हासिल करना है। और सर अगर आपका जो भी मांगे हैं वो अगर नहीं सरकार अगर इसके आगे आपके कोई निर्णय नहीं ले रही है तो संवैधानिक तरीके से आपका अगला कदम? बिल्कुल अगर अभी हमने 24 जुलाई को हमने बिल सबमिट किया है, सरकार ने बोला था कि हम ये मैटर लॉ कमीशन रेफर कर रहे हैं, लॉ कमीशन ने 1 सितंबर को गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट किया, लॉ कमीशन ने कबूल किया है कि इस देश में पर्सनल लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर धर्म का पर्सनल लॉ की आवश्यकता है, लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है सरकार, अभी लॉ कमीशन का रिपोर्ट ये सरकार पर बाइंडिंग हो चुका है, और इसलिए सरकार अगर लॉ कमीशन का रिपोर्ट होने के बाद भी सरकार का कानून नहीं बनाएंगी, हम सरकार को यानी सरकार जो काम चल रहा है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द सेकुलर स्टेट है, अगेंस्ट द बुद्धिस्ट है, और इसलिए हम व्हाई दिस गवर्नमेंट शुड नॉट डिसॉल्व अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा नहीं करेंगे, हम सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और ये सरकार को हम बर्खास्त कैसे कर सकते हैं ये हम देश को बताएंगे। बाबा साहब को टाइमिंग क्या मिला? 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहब ने जो धम्म दिया था, बाबा साहब ने हिंदू लॉ जो था हिंदू लॉ को बाबा साहब ने रोकने के लिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, और वो 22 प्रतिज्ञा का अगर हम पढ़ाई करते हैं तो बाबा साहब ने ये स्पष्ट किया कि हमको हिंदू लॉ से बाहर निकलना है। बाबा साहब को टाइम नहीं मिला, बाबा साहब चले गए ना, तो ये तो हमारा काम है ना। इस बाबा साहब के बाद लोगों को नहीं समझा, क्योंकि लॉ बनाना ये सारी बात नहीं ना, अभी ये बिल है, ये 300 पेज का बिल है इंग्लिश में, ये बिल ड्रॉप करके देना सरकार को देना ही सारी बात नहीं है, और ये कोई लीडर नहीं कर सकता, ये प्रीडर कर सकता है। बीइंग एडवोकेट आई ड्रॉप्ड दिस बिल एंड सबमिटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये बिल को अगर नहीं स्वीकार कर सकते, नहीं मान सकते, तो कोर्ट काय के लिए है? हम सरकार को डिसॉल्व करने के लिए सरकार नोटिस इशू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, देखेंगे सरकार कैसे चलती, तो लेकिन हम अपना कानून हम छिड़के लेंगे, ये हम लोगों को बताना है।